बेगूसराय के चेड़िया बरियारपुर भाकपा इकाई के द्वारा बीके राय मेमोरियल हॉल में गुरुवार को प्रसन्न कुमार झा की अध्यक्षता में विभिन्न मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें सबसे पहले पंचायत जनप्रतिनिधियों को परामर्शदात्री समिति में शामिल किए जाने पर खुशी व्यक्त की गई एवं इसे भाकपा की जीत बताई गई। धरना प्रदर्शन में कोरोना से मृत व्यक्ति के परिजनों को 10 लाख का मुआवजा, पंचायत स्तर पर मुफ्त भोजन की व्यवस्था, लॉकडाउन अवधि का बिजली बिल माफी, किसानों की केसीसी माफी सहित अन्य मांगों को भी जोर शोर से उठाया गया। चेड़िया बरियारपुर भाजपा के वरिष्ठ नेता राम पदारत सिंह ने बताया कि एनडीए सरकार पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्ति के बाद उनके अधिकारों को छीनकर ब्यूरोक्रेसी के हाथों में सौंपना चाहती है, जिसका भाजपा ने विरोध किया। अंततः सरकार को झुकना पड़ा और हमारी जीत हुई। अब परामर्शदात्री समिति में पंचायत जनप्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा, जिसकी खुशी भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच है। बीटी न्यूज बिहार के लिए बेगूसराय के चेड़िया बरियारपुर से कुमार गौरव की रिपोर्ट। आज का यह धरना प्रदर्शन किन मांगों को लेकर किया गया? ये एनडीए सरकार के द्वारा इसके पहले जो स्टेटमेंट दिया गया था कि कोरोना के वजह से पंचायत प्रतिनिधियों का जो चुनाव नहीं हो सकेगा और उनका समय पूर्ण के बाद ये सारे पावर ब्यूरोक्रेसी के पास चला जाएगा, उसके खिलाफ बिहार राज्य परिषद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एक दिवसीय धरना का आह्वान पूरे बिहार में हर पंचायत स्तर और ब्लॉक स्तर पर किया गया था और इस आह्वान के बाद सरकार को मजबूर होकर पीछे हटना पड़ा और पंचायत प्रतिनिधियों को जो समिति बनेगी उसमें चाहे वो मुखिया हो, चाहे पंचायत समिति हो, चाहे जिला परिषद हो, चाहे प्रमुख हो, ये सारे लोगों को रखा जाएगा। इसलिए सरकार पीछे हटी और हमारी जो मांग थी उस पर सरकार मजबूर होकर मानना पड़ा, हमारी जीत हो।